please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अलवर भीड़ की हिंसा के मामले में नया मोड़ आया है। खुद को अकबर की पिटाई का चश्मदीद बताने वाले हिंदू संगठन के नेता नवल किशोर का दावा है कि पुलिस जब अकबर को ले गई तो वो ज्यादा घायल नहीं था। नवल किशोर का दावा है कि वो खुद अकबर के साथ पुलिस की गाड़ी में थे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस अकबर को करीब 1 बजे रामगढ़ थाने ले गई थी, जबकि 4 बजे भोर में थाने में ही अकबर की मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टरों का भी कहना है कि अकबर की मौत भोर में 4 बजे ही हुई थी। वहाँ जाके हमने देखा कि जो कुछ गांव के लोग थे जो मारपीट कर रहे थे वो वहाँ से फरार हो गए। जिन बंदों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनको कहा कि आप मौके पर हैं और उस मामले को देखें, हम पहुँच रहे हैं। वो दोनों बंदे वहाँ मिले तो वहाँ एक घायल बंदा हमें पड़ा हुआ मिला। वहाँ साइड में 2 गाय बंधी हुई थी। दोनों गायों को बंधे हुए देख के हमने देखा कि हाँ मामला तो कोई गोतस्करी का है। तो वो बंदे को देखा, वो पूरा कीचड़ में सना हुआ था क्योंकि बारिश हो रही थी। मतलब घायल था, उसको मारपीट तो हुई थी, ऐसे नहीं वो बिल्कुल एकदम दुरुस्त था। वहाँ से उसको लेके आए, गाड़ी में बिठा के उसको लेके आए। मृत अवस्था में थे वो, थोड़ा खामोशी इख्तियार की हुई थी पुलिस ने, बस यही मैं कह सकता हूँ कि खामोशी इख्तियार थी। तो उसकी अवस्था पे अगर उसमें कुछ जान होती और किस अवस्था में लेके आते, क्या इंजरीज हैं, तो ये तो क्लियर तो नहीं कह सकते कि बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था। बट हम जो भी डॉक्टर एक चिकित्सा जो कोशिश कर सकता है वो ज़रूर करता उसको बचाने के लिए। और इस बीच बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अकबर की हत्या को लेकर शक जाहिर किया है। ज्ञानदेव आहूजा के मुताबिक भीड़ ने अकबर की हत्या नहीं की। उन्होंने साफ साफ अकबर को गौ तस्कर करार देते हुए कहा है कि भीड़ ने उन्हें बस कुछ थप्पड़ मारे थे। उन्होंने अपनी ही पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि थाने में अकबर के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी विधायक का दावा है कि अस्पताल ले जाने तक अकबर जिंदा थे। उन्होंने इस हत्या की न्यायिक जाँच की मांग की है। वहाँ जनता ने पकड़ा, थोड़ा बहुत थप्पड़ मुक्का किया, उन्होंने पुलिस को सूचना की है। पुलिस देर सवेर वहाँ पहुँची और पुलिस ने भी उन गौ तस्करों को, एक तो भाग गया और एक को पकड़ा, और पुलिस ने भी उनके साथ में जनता को दिखाने के लिए हम बड़े सख्त हैं और हम कार्रवाई करते हैं, तो यह सख्ती दिखाने के लिए उसको वहाँ थप्पड़ मुक्का किया है और उसको फिर ले जाया गया अस्पताल कि ये और कहीं घटनाग्रस्त नहीं हो, दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाए, कैजुअल्टी नहीं हो जाए। अस्पताल के जाते समय उसकी मृत्यु हुई है ऐसा वहाँ के सीईओ का और स्टेटमेंट है। अब अस्पताल तब तक वो जिंदा था, थाने में 2-3-4 घंटे वो रुका, उसके बाद उसको ले जाया गया। तो मेरी ये मांग है कि इस घटना की जुडिशियल जांच हो। भी इस तरीके से लॉ का उल्लंघन करता है या लॉ को अपने हाथ में लेता है, वी विल बी टेकिंग एंड वी आर टेकिंग द स्ट्रिक्टेस्ट अपॉइंटमेंट। गाय के नाम पर मुसलमानों की जिस तरह हत्याएं की जा रही हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि जिन लोगों के साथ ये घटना घटी गई है, जिनकी हत्याएं की गई हैं, उनके परिवार को मुआवजा दे। राजस्थान के अलवर में जिस तरीके से हत्या हुई है, पीट पीट कर गोरक्षकों ने जो हत्याएं की हैं वो खुले आतंकवादी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। और अकबर की मौत के बाद उनके गांव कोलगांव में मातम पसरा हुआ है। अकबर मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करते थे और बच्चों के लिए दूध के लिए गाय लेने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि अकबर अपने दोस्त असलम के साथ राजस्थान के अलवर जिले के खानपुर गांव से गाय लेने के लिए गए थे, लेकिन वापस लौटते समय भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। अकबर की पत्नी अस्मीना ने हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की है। मेरे पति बड़कन के लिए गाय लेने को गया दूध के लिए और उनको सजा देनी चाहिए। उसी को हुक्म हमें तो मर देनी चाहिए और कुछ ना करें। कुछ ना करें। मोदी हमारा मुर्गी मैंने पकड़ के दे दिया, फांसी को हुक्म दे दे और कुछ ना करें। टुकड़ी भी दग गई, बन गया खेत में घुस गई, उसमें से फायरिंग करा जी लोगों ने, वह उसके पास है लोग दौड़ गए जी, वह पता नहीं जाए कितने आगे पहुंच गए उनके पास। मैं वहीं डर के मारे वहीं गिर पड़ा, बन के खेत में मैं चिपक पड़ा। ये वह बाद में निकल गया आगे जी, फिर मैं ढोका ढोका जी मैं वहाँ से निकल गया। फिर फायरिंग जरूर पता जी, फायरिंग करिए जी,
उसे पता नहीं जी क्या क्या हथियार है। ये पहाड़ में काम करता था जी, पत्थर निकाल, और ये तो दूध के लिए गाय लेकिन लेने गया था जी, नहीं तो ये इसका कोई गाय वाय का कोई लेना देना नहीं है। और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जल्दी ही राम मंदिर निर्माण का दावा किया। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा के एक नामी स्कूल की बच्ची के रेप की कोशिश के मामले को लेकर सामाजिक संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर और एसएसपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। रेप के आरोपी पंजाबी गायक अमनदीप की अंतरिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद वो फरार है। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश के बाद घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली कटने से परेशान लोगों ने डीजीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार के नवादा में बेखौफ बदमाशों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के बेगूसराय में एक महिला पुलिसकर्मी को व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो भेजने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। यूपी के गाजियाबाद से पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के साथ लग्जरी कार, मोबाइल और हथियार बरामद कर लिया। 5 दोपहिया वाहन बरामद हो चुकी है, 17 लूटे हुए मोबाइल और 2 लैपटॉप लूटे हुए बरामद हुए। राजस्थान के जयपुर में चूड़ी फैक्ट्री में काम कराने के लिए बंधक बनाए गए बिहार के बच्चों को छुड़ाया गया। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते वक्त अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला मीडिया से बचने की कोशिश करने लगे। एक सड़क हादसे के बाद पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला को लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें 5,000 के निजी मुचलके पर जमानत भी मिल गई। जिसके बाद मीडिया के ज्यादातर सवालों का जवाब दिए बिना सिद्धार्थ शुक्ला वहां से निकल गए। सिद्धार्थ पर आरोप है कि वो अपनी तेज रफ्तार कार पर नियंत्रण नहीं रख सके, जिसके बाद वो सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर जा चढ़ी। हादसे में 3 गाड़ियों को इस गाड़ी से जो है जो सिद्धार्थ शुक्ला चला रहे थे उसको ठोका और गाड़ी सीधा जो है डिवाइडर पर जा टकराई। इस हादसे में राजकुमार दुबे नाम के एक शख्स को गंभीर चोट आई, जिसके बाद मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने सिद्धार्थ शुक्ला के नशे में होने का दावा किया, लेकिन पुलिस इस मामले में उनके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट के इंतजार में दिखी। उनका ब्लड लिया है, उसका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं। सीरियल बालिका वधू से चर्चा में आए सिद्धार्थ शुक्ला कई और शो में भी काम कर चुके हैं। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। दिल्ली में बारिश की दस्तक के बाद लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। वहीं दिल्ली के साउथ एवेन्यू, तुगलक रोड और मंडी हाउस इलाके में झमाझम बारिश का लोग लुत्फ उठाते नजर आए। हालांकि बारिश से कई जगहों पर जलजमाव जैसी खबरें भी आई, वहीं कई इलाकों में पानी भी भर गया। सुबह से ही क्लाउडी मौसम था, एकदम ही ठंडा मौसम, उसमें बच्चों ने चिल्ड्रंस पार्क में खूब झूला झूले, खूब मजा आया। अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे सारे बच्चे। खूब बंगला साहब गए, पहले बंगला साहब में इतना मजा करा, खूब नहाए धोए, फिर दोबारा यहाँ पर आए हैं। बहुत इंजॉय किया, जब घर से निकले थे जब ऐसा मौसम नहीं था, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा मौसम हो गया, बारिश में भीग के बहुत अच्छा लगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक पर्वतारोही बर्फ में दबे एक फौजी के शव को दिखाने लगा। ये फौजी एयरफोर्स के विमान AN-12 में सवार थे, जो 1968 में खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हो गया था और जिसका मलबा ढाका ग्लेशियर पर फैल गया, जो स्वच्छता अभियान पर निकले पर्वतारोहियों के एक दल को मिल गया। दावा किया जा रहा है कि विमान के मलबे के साथ एक सैनिक के शव के अवशेष भी मिले, जिसके बाद एक पर्वतारोही ने बिना वक्त गवाए अपने कैमरे में एयरक्राफ्ट AN-12 के मलबे और शव के अवशेष की तस्वीरें ले ली और वापसी पर इस घटना की जानकारी मनाली में मौजूद अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के अधिकारियों को दी। जब वापिस आ रहे थे तो वापसी में हमें वहाँ पे काफी सारे एयरक्राफ्ट के टुकड़े मिले, तो उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक बॉडी भी दिखी। पर्वतारोहियों की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन और राज्य सरकार भी हरकत में आ गई। पुष्टि हम कर रहे हैं और जैसे पुष्टि हो जाएगी हम कंसर्न्ड एयरफोर्स के विभाग के अधिकारियों और अपने उच्च अधिकारियों से इसको उठाएंगे और इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। विमान का मलबा भी मिला है और मलबे के साथ एक शव भी मिला है, इसको जो है वो चंडीगढ़ के लिए ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले में उचित जांच और शव की पहचान का भी भरोसा दिया, क्योंकि पर्वतारोहियों के इस दल ने अनजाने में यानी 50 साल पहले गायब हुए वायुसेना के विमान AN-12 का मलबा और एक सैनिक के शव को खोज निकाला।
लेकिन इस विमान में 102 लोग सवार थे, जिनमें सेना के 98 जवान और 4 क्रू मेंबर्स शामिल थे। तत्कालीन सोवियत संघ में बना ये विमान 7 फरवरी 1968 को उड़ान भरने के बाद अचानक लापता हो गया था। लेकिन ले जाने के लिए चंडीगढ़ से उड़ान इसने भरी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से विमान का रेडियो संपर्क रोहतांग दर्रे के पास टूट गया था। हादसे के 35 साल बाद यानी कि 2003 में भी पर्वतारोहियों को इस विमान का कुछ मलबा और सैनिक बेली राम का शव मिला था। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 2 महिलाएं एक आदमी की पिटाई करने लगी। आरोप है कि ओपी यादव नाम का ये शख्स अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ रहता था, जिसके बाद उसकी पत्नी और उसकी माँ वहाँ पहुँच गयी। पति को दूसरी औरत के साथ देख बौखलाई महिला ने अपने पति ओपी यादव का हाथ पकड़ लिया और उसकी चप्पल से पिटाई शुरू कर दी, जबकि माँ डंडे से पीटने लगी। पति की पिटाई के बाद महिला उसकी प्रेमिका की ओर बढ़ी और उसे भी चप्पल से मारने लगी। महिला का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। महिला किचन से तवा लेकर आई और उससे दोनों पर हमला कर दिया। तुम सब मिलकर क्या कर रहे हो? दावा है कि पति और पत्नी के बीच तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। तो लड़का ये लड़की शादी वाले 15 साल का तो ना किया, जो ये कर्म का हो गया। हंगामे के बाद आसपास के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गए और वीडियो बनाने लगे। बाद में मौके पर पहुँची पुलिस दोनों को अपने साथ थाने ले गयी।